नमस्ते दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे रेफरेंस ऑफ फ्रेंड, जो कि हमारा फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज है वो बहुत आगे वाले टॉपिक में हमारे होने वाला है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। मान लिया मैं ये कह देता हूँ कि ये जो लाइन है वो लंबी है, मैंने बोल दिया कि लाइन है वो लंबी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो किससे लंबी है, यानी कि किसके संदर्भ में लंबी है। मान लिया मेरे साथ कोई व्यक्ति और खड़ा है, वो कोई मुझे कहता है कि मैं लंबा हूँ, तो मैं किसके सापेक्ष लंबा हूँ या किसके संदर्भ में मैं लंबा हूँ। तो अगर कोई संदर्भ नहीं हो तो हम किसी का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस एग्जांपल को वापस देखिए एक बार, ये वाली लाइन जो है वो इसके संदर्भ में, जो रेफरेंस होता है इसका मतलब होता है संदर्भ, यानी कि इसके रेफरेंस में ये लंबी है और इसके रेफरेंस में क्या है ये छोटी है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक लाइन और कर देता हूं अगर वो बड़ी, तो क्या होगा, ये बड़ी नहीं है, ये इसके संदर्भ में बड़ी है लेकिन इसके संदर्भ में क्या है छोटी है। यानी कि जो रेफरेंस होता है उसका मतलब क्या होता है कि जिस जहां से आप नाप रहे हो या जहां से आप गणना कर रहे हो। मान लिया मैं एग्जांपल और लेता हूं, ये कोई पी पॉइंट है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, यानी कि कोई भी संदर्भ है। मान लिया एक ये संदर्भ है जहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा, मान लिया मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड यहां पर खड़ा है और वो कोई इसी पी पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये पी पॉइंट इसके लिए पास होगा और इसके लिए क्या होगा दूर होगा। तो ये दोनों के लिए दूरियां भी क्या होगी अलग अलग होगी, यानी कि दूरी किस पर निर्भर कर रही है, किसी भी संदर्भ पर निर्भर, किसी भी रेफरेंस और फ्रेम पर निर्भर कर रही है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट या सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम जो है, अबाउट विच द स्टेट ऑफ अनदर बॉडी इज डिस्क्राइब, यानी किसी भी एक सिस्टम या ऑब्जेक्ट द्वारा किसी दूसरी बॉडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम से। सच एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिससे बताया जा रहा है और सिस्टम जो है वो क्या कहलाएंगे, वो रेफरेंस ऑफ ए फ्रेम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, रेफरेंस ऑफ ए फ्रेम कहलाएंगे आपके। रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। नंबर एक है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा टाइप आपका है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम आपका। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ने से पहले आप एक शब्द देखिए, यहाँ पे एक इनर्शियल वर्ड लिखा है, ये जो इनर्शियल वर्ड है ना ये इनर्शिया से बना है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व होता है हमारा। और आपको पता होगा न्यूटन का जो पहला नियम है जो, वो क्या है आपका, जड़त्व का नियम है, इनकी इनर्शिया का नियम है आपका। वो इनर्शिया का नियम हमें क्या कहता है, इनर्शिया का नियम हमें ये कहता है कि अगर कोई स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगा जब तक कि कोई दूसरा बल उसके ऊपर कार्य ना करे। और दूसरा क्या है उसका स्टेटमेंट, कि अगर वो गतिशील है अगर, तो वो हमेशा गतिशील रहेगा जब तक कि कोई दूसरा बल उसके ऊपर कार्य ना करे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि मैंने एक बॉल को किसी भी एक सरफेस पर रख दिया, मान लिया मैंने एक घंटे के लिए रख दिया, तो न्यूटन के इनर्शिया नियम से क्या हुआ कि मैंने उसे स्थिर रख रखा है तो वो हमेशा वहीं पर रहेगी जब तक कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मैंने उस बॉल को रोल कर दिया तो बॉल क्या कंटिन्यू बॉल चलती रहेगी जब तक कि उस पर दूसरा बल कार्य ना करे। हालांकि जब भी हम बॉल को रोल करते हैं तो क्या होता है, घर्षण की वजह से वो मतलब रुक जाती है, यानी कि घर्षण उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो कोई बाहर का बल कार्य कर रहा है। उसी ही नियम के आधार पर ये वाला फ्रेम बनता है, यानी कि जिस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में, यानी कि जिस संदर्भ में, जिस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में इनर्शिया का नियम लागू होता है, यानी न्यूटन का पहला नियम जिसके अंदर लागू होता है वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसको हम जो है और भी बेटर एग्जांपल से हम पहले समझ रहे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि इफ इन ए गिवन सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम या रेफरेंस, किसी भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट में एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी प्रकार का क्या एक्सिलेशन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव नहीं करता है। मान लो ना जैसे बॉल अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, एक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, वो मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कोई भी क्या होना नहीं चाहिए, एक्सिलेशन एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। एंड साथ में उसने क्या लिखा है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी नॉन एक्सिलेटेड। उसने क्या कहा, स्थिर है तो ठीक है, अगर दूसरा क्या है, अगर वो गति कर रहा है अगर, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली मोशन होनी चाहिए, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब होता है गति में समय के साथ परिवर्तन,
वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी डेफिनेशन को हम और भी बेटर तरीके समझने के लिए हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल वर्जन में देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि उसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये लिखा ना, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सीलरेशन, क्या जीरो होना चाहिए। दूसरे में क्या लिखा कि नॉन एक्सीलरेटेड। ठीक है, हम इसको और भी बेटर समझ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लिया हम बस के अंदर कभी भी सो नहीं पाते। उसकी वजह क्या होती है कि बस में क्या होता है, बार बार ब्रेक लगता है, बार बार रेस लगती है, तो क्या होता है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, चेंज होती है, तो हमें एक्सीलरेशन लगातार महसूस होता रहता है, इसकी वजह से हमें उसमें नींद नहीं आती। लेकिन हम एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेंगे तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में हम सो पाते हैं क्योंकि ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि उसमें गति और जो उसमें ब्रेक होता है वो बहुत ही स्लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन हमें बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ देखिए जो ए क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो न्यूटन का जो सेकेंड नियम जो क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड नियम कहता है ये वाला, यानी एफ बराबर एम एच, ये कहता है आपका एफ बराबर एम है, जो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर स्क्वायर, सॉरी मतलब डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज को मैं है वापस रिफाइन करके ऊपर लिख रहा हूँ कि इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण बराबर ले रहा हूँ कि एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर जीरो। तो आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशियल अगर जीरो आता है अगर, तो वो क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट होती है वो क्वांटिटी। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी क्या हो गई है, कॉन्स्टेंट। किसके लिए? आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और दूसरी कंडीशन देखिए, ये जीरो कब आ सकता है, या तो वी क्या हो कॉन्स्टेंट हो, या वी क्या हो आपका जीरो हो, या तो वी क्या आपका हो जीरो हो, या वी आपका क्या हो कॉन्स्टेंट हो। यानी कि हमारा नियम वापस वेरीफाई हो रहा है कि अगर वो स्थिर रहे तो स्थिर ही रहेगी, यानी कि वेलोसिटी क्या है आपकी जीरो है, और अगर वो चलती रहे तो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हुई, कॉन्स्टेंट हुई। तो यानी कि हमारे जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो परिणाम निकला, वो क्या परिणाम निकला कि इन सच ए फ्रेम, इस प्रकार के फ्रेम में पार्टिकल मूव विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मूव करता है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिसमें न्यूटन का पहला नियम जो है वो लागू होता है, जड़त्व का नियम जिसमें लागू होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाते हैं, आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। दूसरा आपका है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूटन का पहला नियम लागू नहीं होता है, यानी कि इसमें इनर्शिया का नियम लागू नहीं होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि जिस फ्रेम में उसके अबाउट उसके संदर्भ में कोई भी जो पार्टिकल की जो गति है appear to be accelerated, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। बोले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, नॉन एक्सीलरेटेड था, और यहाँ पर क्या है आपका एक्सीलरेटेड है ना। इसको हम उदाहरण से समझेंगे अभी इसको, ठीक है। एक्सीलरेटेड इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वहां पर कोई बाहरी बल कार्य भी नहीं कर रहा है, वो फ्रेम क्या कहलाते हैं आपके, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। इसको समझने में एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा एक जो फ्रेंड है वो बस के अंदर बैठा है, और बस जो है वो भी स्थिर है, मैं भी यहाँ पे स्थिर बैठा हूँ। अचानक क्या हुआ, अचानक बस जब चलती है तो मुझे क्या होता है, ऐसा पीछे धक्का महसूस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फोर्स किसने लगाया, मुझे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा, फिर भी क्या हुआ, मुझे धक्का महसूस हुआ। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ना, वो किसमें आती है आपके, वो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि उसमें क्या लिखा है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के बावजूद भी क्या होता है उसमें, उसमें एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि अगर मैं वहां बैठा होता, मुझे कोई अगर पुश करता या धक्का मारता तो मैं हिलता, तो क्या होता, वो आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता क्योंकि उन्होंने मुझे धक्का मारा है। लेकिन मुझे किसी ने धक्का ही नहीं मारा, फिर भी क्या हुआ, मैं आगे और पीछे हो रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में मुझमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
हम आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर हम उनका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।